चाहिए। हमारी नादानियाँ ही हमें ले डूबेगी। क्यों आप भीड़ का हिस्सा बन रहे हो? क्यों परिवार से और दूर जा रहे हो? हमें आज ये सोचना चाहिए, क्या हम परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं? क्या यही परिवार के लिए जो हम कमाते हैं, यही परिवार के लिए जो हम दूर जाते हैं? आज हमें जब अपने के लिए रहना पड़ रहा है, तो क्यों हम उनसे दूर रह रहे हैं? हमें सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के संग ही एक साथ रहना है, यही प्रण करना है कि जब तक है जान, हम अपनों को नहीं छोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ये मुहिम अपने इस छोटे से वीडियो में डालूँगा, जहाँ मैं आप कुछ भी अपना संदेश आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। और आशा करता हूँ अगर आपको पसंद आएगा तो आप मेरे वीडियो को जरूर शेयर करोगे। दिल में अगर आपकी कुछ करने की तो उसे मना मत करो, हम हो बुरा फिर भी ये किसी से बयान न करो। हो सकता है संसार झूठा लगेगा, पर आज तो अपना परिवार ही सच्चा लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको शायरी से आपको मोटिवेट करूँगा, और इस वायरस का जो भी है उस पर आप अपना अपने परिवार की रक्षा खुद करो, स्वयं करो और ढाल बनो। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। फिर कल मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। बाय बाय। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने दूसरा वीडियो लाया हूँ। ये वीडियो उस कोरोना वायरस का सीरीज का सेकेंड पार्ट है। जब वक्त बदलता है तो इंसान की फितरत बदलती है। अपनों के गम में हम टूट जाते हैं और औरों की देख के खुद की भी नसीब बदलती है। फ्रेंड्स, ये छोटा सा जो मैंने लाइन कहा है, आप समझ सकते हो कि ये क्यों कहा है। आज हम जो जगह है, जिस तरह है, ये खुद हुआ नहीं है, ये हमारे कर्मों में लिखा है। हमारे कर्म में जो अगर दुख है तो वो हम भोगेंगे, हमारे कर्म में अगर सुख है तो हम भोगेंगे। यही विधाता का परम ज्ञान समझो या आदेश समझो, जो हमें सीखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमें अपनों से प्यार करना चाहिए, अपने परिवार से प्यार करना चाहिए, और जो बन सके वो करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मैं ये वीडियो, फिर नेक्स्ट सीरीज़ में फिर लाऊँगा। तब तक के लिए